ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम सद्गुरुं तम नमामि। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तात तुल्यं श्री राम नाम बराननमे। राम स्मरामि राम भजामि रामं नमामि रामस्य दासो अहम्। अब भगवान श्री राम जो अनंत आकाश गंगाओं में व्याप्त एकमात्र आत्म तत्व हैं, जहां आत्म तत्व की बात आती है तो वहां न कोई मालिक है न कोई दास है, क्योंकि ये सब चीजें तो माया में होती है। समुद्र ये नहीं कहेगा कि मैं बूंद का मालिक हूं, बूंद ये नहीं कह सकती कि मैं समुद्र की दास हूं, क्योंकि बूंद और समुद्र में जो संबंध है वो अन्योनाश्रित से भी बड़ा संबंध है, स्वरूप का संबंध है। समुद्र का स्वरूप बूंद है और बूंद का स्वरूप समुद्र है। ऐसे ही जीव का स्वरूप ब्रह्म है और ब्रह्म का ही स्वरूप जीव है। तो ऐसे भगवान जिनके अलावा दुनिया में और कुछ है नहीं किंचित मात्र भी, उन्हीं के कृपा प्रसाद से संसार के जीवों के कल्याण के लिए भगवान नारद ने वाल्मीकि जी को राम कथा सुनाई और वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया यथार्थ बोध का। सारी घटनाएं, सारे वचन, सारी परिस्थितियां, सबकी मनोदशा वाल्मीकि जी के हृदय में ऐसे स्फुरित हो गई जैसे बस उनको वहीं घटित होते देख रहे हैं, और भविष्य में जो घटित होने वाला है वो भी वैसे दिखता है जैसे कि बस घटित हो रहा हो। तो आज एक विंश सर्ग, मतलब एक त्रिंश, विंश नहीं एक त्रिंश सर्ग, त्रिंश का मतलब तीस, एक का मतलब एक, इकतीसवां सर्ग अपन ले रहे हैं। और जब भगवान श्री राम ने वध कर दिया सुबाहु का और उसकी सेना का, तो कथा आगे कैसे बढ़ती है, क्या घटित होती है, इसमें आया है। श्री राम और लक्ष्मण ऋषियों सहित विश्वामित्र का मिथिला में प्रस्थान तथा मार्ग में संध्या के समय शोणभद्र नदी पर विश्राम। अब ये अनुष्ठान पूरा होने के बाद भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र और सिद्धाश्रम के ऋषि मुनि चल दिए मिथिला की ओर, यानी अब ये उत्तर की ओर चले हैं, क्योंकि उत्तर की ओर मिथिला नगर था जहां जनक मिथिलेश राज्य करते थे, और उन्होंने जो धनुष यज्ञ का आयोजन किया था उसका सभी ऋषि मुनियों के आश्रम में सादर निमंत्रण भेजा गया था। तो अथ ताम रजनीम तत्र
कृतार्थो राम लक्ष्मण उशतुर्मुदितो वीरो प्रहस्तेनांतरात्मनः। अथ ताम रजनी तत्र। तदंतर विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करके कृत कृत्य हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे और उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। इस श्लोक में एक बहुत गहरा रहस्य है। जब कोई शिष्य अपने सद्गुरु का कोई काम करता है, सेवा का बड़ा कोई काम करता है, आज्ञा का पालन करके कुछ ऐसा काम करता है जिसमें सद्गुरु का हित हो, तो वो अपने आप को कृतकृत्य अनुभव करता है। वो उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को बहुत अच्छा मैंने किया है, ये मैंने अच्छा किया है, उसको हृदय से प्रसन्नता होती है, उसको हृदय में हर्ष और उल्लास होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो समझो कि आप अभी पूरी तरह से शिष्यत्व को प्राप्त नहीं हुए हो, आपके शिष्यत्व में कमजोरी है। प्रभातायाम तु सर्वर्याम कृतपौर्वाहिण क्रियो विश्वामित्र मृषीष्यान्यान सहिता विजगमतु। रात बीतने पर जब प्रातः काल आया तब वे दोनों भाई पूर्वान्न काल के नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास साथ साथ गए। ये भी समझने जैसी बात है कि जब आप प्रातः काल उठो तो पूर्वान्न काल के नित्य नियम आपको कर लेने चाहिए। चूंकि व्यक्ति पूर्वान्न काल के नित्य नियम ठीक से नहीं करता, इसलिए ही उसके शरीर में विकार आदि उत्पन्न होते हैं। उठने के बाद आपको अपना मुख साफ करना है, जल पीना है, आपको शौचादि क्रिया जाना है, आपको दंत धावन करना है, इसके बाद स्नान करना है, आपको थोड़ी देर ध्यान करना है। अगर ये नहीं किया आपने तो आपको बीमार होना निश्चित है। आपने सब साफ रखा, दांत भी साफ किए, नहाए भी सब किए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी नहीं किया आपने, तो अपने तन को तो साफ कर लिया, लेकिन जो दिन भर आप अंतःकरण आपके ऊपर हावी रहने वाला है उसको आपने अलग नहीं किया, उसको अलग रख के आप जीना नहीं सीखे, तो अंतःकरण तो सारी बीमारियों का जड़ है, क्योंकि सारी बीमारी तो अंतःकरण से ही आती है। शरीर को भी वही बीमार करता है, मन को भी वही करता है, बुद्धि में विकार वही लाता है, चित्त को डामाडोल और चलायमान वही करता है, बार बार में अहंकार लाके आपके हाथ से बुरा काम वही कराता है। तो ये पूर्वाह्न काल के नित्य नियम इतने गहरा अर्थ रखते हैं। अभिवाद्य मुनि श्रेष्ठम ज्वलंतमिव पावकम् उचतुः परमोदारम् वाक्यं मधुरभाषिणौ। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में यह परम उदार वचन कहा। इसमें प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी क्यों कहा गया, इसके पीछे एक रहस्य है।
जो ज्ञानी परमहंस सदगुरु होते हैं, वास्तव में जो सही परमहंस होते हैं, नकली नहीं होते। गधे के ऊपर शेर की खाल उड़ा देने से गधे में वो पराक्रम नहीं आता जो शेर में पराक्रम होता है। तो वो ऐसे पराक्रमी होते हैं जैसे अग्नि पराक्रमी होती है। अग्नि में आप जूता डाल दो या कुत्ते की विष्ठा भी डाल दो या किसी भी प्रकार की लकड़ी डाल दो, चंदन डाल दो, धावड़ा डाल दो, खैर डाल दो, कोई भी लकड़ी डाल दो, अग्नि उसे भस्म कर देती है और उसे अग्नि अपना रूप दे देती है। ऐसी जो ज्ञानी परमहंस होते हैं वो कर्मों को भस्म कर देते हैं। अच्छा बुरा जो भी कर्म है वो कर्म उनको लिपायमान नहीं करते, वो कर्म उनको बंधन में नहीं डालते, इसलिए यहां अग्नि की उपमा दी गई है। इमो स्वम मुनिशार्दूल किंकरो समुपागतौ आज्ञापत्र मुनि श्रेष्ठ शासनम करवाव किम। मुनि प्रवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। किंकर शब्द बहुत प्यारा है, सेवक से भी ज्यादा। सेवक तो सेवा करता है, किंकर तो दास, दास से भी गहरा अर्थ है। यूं कहो कि हे प्रभु, हम आपके दास हैं। अगर आज के जमाने में अगर मैं किसी शिष्य को कह दूं कि आप मेरे दास हैं तो वो पूंछ उठा के भाग जाएगा कि ये तो गुरु है कि अहंकारी है, ये हमको दास बना रहा है। ये तो लगता है कि ये मुगल काल का कोई प्रभाव इस आदमी में है। मुगल काल में जो दास दासियां रखते थे ना खरीदे हुए, है ना, तो ये भाव आजकल नहीं मिल रहा है, इसीलिए लोगों की प्रगति भी नहीं हो रही है। मीरा ने कहा भगवान से, कृष्ण से, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। क्यों रखूं चाकर? कि नित उठ दर्शन करूं तुम्हारे, जासो चाकर राखो जी। कम से कम मैं तुम्हारी चाकर रहूंगी तो सुबह उठ के मैं दर्शन तो करूंगी। नौकर और चाकर, नौकर वो जो मालिक की नौकरी करता है, चाकर वो जो नौकर के हाथ में नौकर की मदद करता है। यानी जो भगवान का भक्त है, सदगुरु का सेवक है, वो अपने आप को किंकर समझता है। तो भगवान राम और लक्ष्मण, उन्होंने कहा कि मुनिवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं, मुनि श्रेष्ठ आज्ञा दीजिए हम क्या सेवा करें। एवमुक्ते तयो वाक्यं, एव मुक्ते तयोर्वाक्ये सर्व एव महर्षया, विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनं ब्रुवीव, रामं वचनं ब्रुवन् ब्रुवन्। ऐसा कहने पर सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले। अभी कितने बड़े राक्षसों को उन्होंने मार दिया था सर, कल शाम को ही, लेकिन फिर भी उनकी नम्रता देखो, उनमें अहंकार नहीं आया, दर्प नहीं आया। एक जिसको लोग गौरव के पीछे जो अहंकार छिप जाता है वो भी नहीं आया। गौरव भी एक तरह का परिमार्जित अहंकार है। मैथिलस्य नर श्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति, यज्ञः परम धर्मिष्ठस्तत्र
यास्यामहे वयम्। नरश्रेष्ठ मिथिला के राजा जनक, ये नरश्रेष्ठ किसको कह रहे हैं? भगवान विश्वामित्र के लिए कहा है, संबोधन कर रहे हैं। मिथिला के राजा जनक का परम धर्म में यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे। त्वं चैव नरशार्दूल महास्माभिर्गमिष्यसि अद्भुतं च धनुरत्नं तत्र त्वं द्रष्टुं महर्षि। पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमें हमारे साथ तुम्हें भी हमारे साथ वहां चलना है। वहां एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, एक रत्न बड़ा श्रेष्ठ धनुष है वहां, धनुष रत्न उसके कहते हैं, नर रत्न, नारी रत्न है ना, पुरुष रत्न है ना, तो भारत रत्न, अब इन्होंने भारत रत्न लगा दिया और भारत रत्न से जो है ये कर रहे हैं। अब इसके बारे में मैं क्या कहूं, बड़ी अवज्ञा हो जाएगी। ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न बना दिया इन्होंने, जिनके माथे पर हजारों हजारों लोगों के हत्या का कलंक था, उनको भारत रत्न बना दिया। लेकिन हमारे इस वाल्मीकि रामायण में जिसको भी रत्न कहा है वास्तव में ही रत्न है, उसमें आप ढूंढोगे तो आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। धनु रत्न, वो धनुष ऐसा था कि जो संसार में श्रेष्ठ था, तुम्हें उसे देखना चाहिए राम, तुम्हें उसे देखना चाहिए। तद्धि पूर्वं नरश्रेष्ठं दत्तं सदसि देवतै अप्रमेय बलं घोरं मखे परम भास्वरम्। पुरुष प्रभा, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं से जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष प्राप्त हुआ था, जनक के किसी पूर्वज को वह धनुष प्राप्त हुआ था। वह कितना प्रबल और भारी है इसका कोई माप तोल नहीं है, वह बहुत ही प्रकाशमान और भयंकर है। क्यों नहीं है माप तोल? माप तोल इसलिए नहीं है कि वो दिव्य अस्त्र है और दिव्य अस्त्र अपने आकार प्रकार को बदलते रहते, और प्रकाशमान और भयंकर है इससे पता लग जाता है कि दिव्यास्त्र ही प्रकाशमान होता है और भयंकर दुष्टों के लिए हमेशा दिव्यास्त्र भयंकर ही होते हैं और संतों के लिए वो अभयंकर होते हैं। अभयंकर मतलब वो भयंकर नहीं होते, करुणा और प्रेम, दया और संरक्षण देने वाले होते हैं। नास्य देवा न गंधर्वा नासुरा न च राक्षसः कर्तुमारोपणं शक्ता न कथंचन मानुषा। मनुष्य की बात तो छोड़िए, मनुष्य की बात क्या है, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस, ये भी किसी भी तरह से उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते। प्रत्यंचा चलाना समझते हैं, धनुष की जो डोरी होती है वो डोरी को धनुष के एक कोने पर बल लगाया जाता है ताकि वो डोरी जो है ना वो ठीक से तनाव सहित हो जाए, ताकि उसका जो फेंकने की जो शक्ति है वो उचित हो जाए। जैसे वीणा के तारों को ना ज्यादा ना ढीला उचित तरीके से जब कसा जाता है तब वीणा बजती है, ऐसे ही धनुष तभी काम करता है जब उसकी प्रत्यंचा को हम ठीक से चढ़ाते हैं। तो ये भी नहीं चढ़ा सकते हैं। कौन? देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस। धनुष तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षिता नशे कुरारोपयितुं राजपुत्रा महाबलः। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा राजकुमार आए,
किंतु कोई भी उसे चढ़ा ना सके। तद्धनुर् नरशार्दूल मैथिलस्य महात्मनः तत्र द्रक्ष्यसिकाकुत्स्थ यज्ञं च परमाद्भुतम्। कुकुत्स नंदन, पुरुष सिंह राम, वहां चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष तथा उसके परम अद्भुत यज्ञ को देख सकोगे। उसको धनुर्यज्ञ कहा था। मुझे एक सुनी सुनाई सी बात याद आती है, सोचता हूं आप लोगों के साथ उसको साझा कर दूं। माता सीता एक बार जहां धनुष रखा था उस चबूतरे को, उस मंडल को साफ कर रही थी और उन्होंने एक हाथ से धनुष को उठा के उसके नीचे से जितनी धूल मिट्टी थी, धूल धमास थी, उसको उन्होंने कपड़े से साफ करके और धनुष को ठीक से पहुंच के रख दिया। राजा जनक उसको देख रहे थे। उन्होंने कहा, यार इस धनुष को तो बड़े बड़े सूरमा, देवता, राक्षस, असुर ये नहीं उठा पाते हैं, इसने एक ही हाथ से उठा लिया उसको। तभी उन्होंने तय किया, अरे अरे ये धनुष को जो तोड़ देगा उसी से इस कन्या का विवाह करना उचित होगा, क्योंकि ये इतनी पराक्रमशालिनी कन्या है तो इसका पति भी पराक्रमी होना चाहिए। उनको बेचारों को ये पता ही नहीं होगा, ये तो पराम्बा है, जगदम्बा है, सृष्टि की संचालिका है, ये तो निमित्त मात्र से अवतीर्ण हुई है, भूमि में से प्रकट हुई है। उनका पिता का हृदय इस बात को इस तरफ ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन ये मैंने सुना था तो कितना सच है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने आपको बताया। तद्वी यज्ञ फलम तेन मिथिलेनोत्तमं धनुः याचितं नरशार्दूल सुनाभं सर्वदैवतैः। नरश्रेष्ठ, किसको कह रहे हैं नरश्रेष्ठ? भगवान राम को कह रहे हैं। मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल स्वरूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें धनुष प्रदान किया था। वह धनुष का मध्य भाग जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है बहुत ही सुंदर है। पहले जो धनुष थे वो मुख्य रूप से शस्त्र थे, उनको बड़ा सुंदर बनाया जाता था, वो आभूषण भी थे वीरों के, जैसे तलवारें भी बड़ी अच्छी सुंदर चमकदार धारदार और उसकी जो म्यान होती थी वो भी बड़ी कलात्मक, उसमें बड़े बूटे वगैरह की लगाए जाते थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात जड़े जाते थे म्यानों में। आयागभूतं नृपते स्ततस्यः भीष्मनिराघवः अर्चित अर्चितं विविधेर गंधेर धूर्पेश्चा गुरुगंधिभिः। राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवताओं की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप, अगरु तथा सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। ऐसे पवित्र वस्तु कभी जीवन में मिले तो उसको बड़े सम्मान से रखना चाहिए। मुझे भी कुछ पवित्र वस्तु जिंदगी में मिली थी और रखी हैं, और एक वस्तु मुझे दो मिल गई थी तो मैंने, मेरे एक निकट के प्रेमी थे उन
को दे दी मैंने प्रसन्नता पूर्वक। उन्होंने उसको ठीक से रखा नहीं, सम्मान नहीं किया। वो 3-4 दिन के बाद वो वस्तु अपने आप चटक कर 2 टुकड़ों में बट गई। तो ऐसी दिव्य वस्तुएं जो हैं वो कभी हमें मिले, चाहे धनुष हो या भगवान की कृपा से कोई अन्य चीज हो, जैसे कोई प्रकट हुआ एकमुखी रुद्राक्ष हो, खरीदा हुआ नहीं। कभी कभी भगवान की कृपा करुणा से अपने घर में भी कभी झाड़ू लगा रहे हो, आपको एकमुखी रुद्राक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हमारे आश्रम में ऐसा हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं। 3 कमरों के बाद 4थे कमरे में पीछे से कोई रास्ता ही नहीं, कोई फेंकने को जंगला ही नहीं, पलंग के नीचे एकमुखी रुद्राक्ष वहां झाड़ू लगाते समय प्राप्त हुआ। तो ऐसी कोई दिव्य वस्तु होती है तो उसको अपने को पूजा करना चाहिए, उसको सम्मान जनक ढंग से रखना चाहिए, अपवित्र हाथों से छूना नहीं चाहिए। वो भगवान की कृपा का प्रसाद है। तो ऐसे ही वो धनुष था। एवमुक्त्वा मुनीवरः प्रस्थानं करोत् तदा सर्ष संघ सकाकुत्स आमंत्र वन देवता। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा रामचंद्र जी के साथ वहां से प्रस्थान किया। ये वन देवता कौन थे भाई? इनसे आज्ञा ली, वो वन देवता कौन थे? ये जो लोग कहते फिरते हैं ना कि आदिवासी लोग हैं, उनका कोई हिंदू नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, है ना, वो मूल निवासी हैं, उनका उनको जो है हम क्रिश्चियन बनाएंगे, हम मुसलमान बनाएंगे, वो हिंदू नहीं है, इस प्रकार की जो बातें करते हैं वो मूर्खों को पता नहीं है कि वो जो हमारे वनवासी आदिवासी हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वही वन देवता कहलाए जाते थे पहले। और ऋषि मुनि जब कहीं अपना आश्रम जाते थे छोड़कर, तो उनसे आज्ञा लेते थे, उनको आश्रम सौंप कर जाते थे ताकि आश्रम की साफ सफाई रक्षा सब अच्छे से होती रहे, गौ माता जो आश्रम में रहती हैं उनकी सेवा होती रहे, पशु पक्षी जो आश्रम में रहते हैं उनको समय पर भोजन पानी मिलता रहे। ये जो मूर्ख लोग हैं जिन्होंने कभी रामायण नहीं पढ़ी, वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़ी, वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, ये ऐसे बोलते हैं ये जैसे ब्रह्म वेत्ताओं के बाप तो यही हो। ये है वन देवता हमारे वनवासी आदिवासी, जिसको सरकार आज आदिवासी कहती है, ये हमारे वन देवता है। इनका इतना सम्मान होता था। कालांतर में जब हमारे ऋषि मुनियों के आश्रम वनों से उजड़ गए, तो ये जो वन देवता थे उन वन देवताओं में ऋषियों का प्रभाव घटता चला गया। तो इसके बाद ये जो है अलग ढंग का जीवन जीने लगे, नहीं तो ये सब हमारे ऋषि मुनियों से बहुत प्रेम करते थे और उनके बड़े सहायक थे। ये वाल्मीकि रामायण आपके समाज को जोड़ने और दिशा देने की भी बात करेगी, क्योंकि इतना सब स्वार्थ में भरे हुए लोग हैं, वो अपने अपने मतलब की बात शास्त्रों में से कहते हैं, देश और समाज के हित की कोई बात करते नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है, वो तो अपना प्रतिष्ठा मिले, पैसा मिले, है ना, पद मिले, मंत्री कंत्री उनके चरण छुए, उनको हेलीकॉप्टर में बिठाल के घुमाएं, उनको राज्यमंत्री का पद दे दें, इसलिए वो करते हैं। लेकिन ब्रह्म हम जैसे व्यक्ति, हमको कोई न राज्य मंत्री चाहिए, ना पद चाहिए, ना तुम्हारा पैसा चाहिए, ना तुम्हारा आश्रम चाहिए, हम तो जो भगवान की कृपा से समस्त हिंदू समाज के लिए जो मार्गदर्शन है वो हम बिना डर के करेंगे, निर्भीक होके करेंगे। स्वस्ति वो अस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाश्रमादहम् उत्तरे जहन्नवी तीरे हिमवंतम शिलोच्चयम्। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूं,
गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा, आप लोगों का कल्याण हो। मतलब अब वो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं हिमालय की उपत्यका में जाऊंगा। पहले 21 लाख वर्ष पहले ये जो हिमालय था, ये जैसे आप देख रहे हो ना कि प्लेटें हटी कॉन्टिनेंट्स की और थोड़े थोड़ी हिमालय भी परिवर्तन हुआ, पीछे हटा, गौमुख भी पीछे हटा। पहले गौमुख गंगोत्री के पास ही था, 16 किलोमीटर पीछे चला गया है। इसी तरह से पहले हिमालय जो है जनकपुरी के थोड़े आसपास में ही था। इत्युक्त्वा मुनि शार्दूलः कौशिकः स तपोधनः उत्तरां दिश मुद्दिश्य प्रस्थातु मुपचक्रमेह। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। मैंने आपसे पहले कहा कि उत्तर की ओर जाएंगे, क्योंकि मिथिला जो है वो अयोध्या से उत्तर में है, और जहाँ इनका आश्रम था वाल्मीकि ऋषि का, वो भी उत्तर में ही था। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भारत और नेपाल की सीमा के आसपास कोई आश्रम था वाल्मीकि ऋषि का। अब ऋषि तो घूमते ही रहते हैं, तो उनके तो जैसे उन्होंने कह दिया कि हम जा रहे हैं, अब ये संभालो आप, तो ऋषि तो घूमते रहते हैं, उनके कई आश्रम होते हैं, होते थे, है ना। और वो किसी भी आश्रम में अपना रजिस्ट्री नहीं कराते थे, वो अपना अधिकार अपनी बापोती नहीं रखते थे उस आश्रम से। वो प्रकृति का जैसे पक्षी किसी भी वृक्ष पर बैठ जाता है, उसकी रजिस्ट्री नहीं कराता है, वो रुके रुके इसके बाद चले गए। ये तो आप लोग हैं कि आप लोग इस तरह की ऋषि मुनियों के बारे में अपने ढंग से सोचते हैं। तम ब्रजंतम मुनिवर मन्वगाद अनुसारिणाम शकटी शतमात्रम तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनाम। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। कितनी? 100 गाड़ी। शक्ति यानी गाड़ी, शत यानी 100, मात्रम यानी संख्या। सोच लीजिए 100 गाड़ियां चली, 100 गाड़ी में एक गाड़ी में कम से कम 3 से 4 लोग तो बैठते हैं, तो 400 लोगों का तो कम से कम उनके साथ मंडल था। मृग पक्षी गणाश्चैव सिद्धाश्रम निवासिना अजुन अनुज अनुजमग्यु मग्मूर महात्मानं विश्वामित्रं तपोधन। अनुज गमुर महात्मानं विश्वामित्रं तपोधनम्। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले जो मृग थे, एक हिरण की जाति को मृग बोलते हैं, हिरण कई तरह के होते हैं, मृग जो है मृग में कई होते हैं, 12 सिंगी होते हैं, सामान्य मृग होते हैं, कस्तूरी मृग होते हैं, बहुत सारे मृग होते हैं। वो पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे चलने लगे। मनुष्य तो क्या प्रेम को समझेगा, पशु पक्षी ज्यादा समझते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, वो प्रेम विश्वामित्र जी से प्रेम करते थे। निवर्तयामास ततः सर्षि संघ सपक्षिणः ते गत्वा दूरमध्वानम् लंबमाने दिवाकरे वासं चक्रु मुनि गणा शोणाकूले समाहितः ते अस्तं गते दिवाकरे स्नात्वा हुतहुताशनः। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने जी ने उन पशु पक्षियों को हाथ जोड़कर लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को चले गए, मतलब सूर्यास्त हो गया, तब उन ऋषियों ने
पूर्ण सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। अब सोनभद्र नदी आज भी है और शायद मैंने जहां तक सुना है सोनभद्र के नाम से ही जानी जाती है। तब सूर्यदेव अस्त हो गए, तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूरा किया। विश्वामित्रम पुरस्कृत्य निषेदुर मितो जसः रामो अपि सहसो मित्री मुनि मुनिस्तान विपूज्य च अग्रतो निशसादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः अथ रामो महातेजः विश्वामित्रं तपोधनम्। इसके बाद सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र जी को आगे करके बैठ गए। पहले विश्वामित्र जी बैठे और फिर बाद में सब बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम जी भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। ऐसा नहीं कि राजा चक्रवर्ती राजा का पुत्र तो पहले वो बैठ गए बाद में वो बैठेंगे, ऐसा नहीं। उस समय ऐसा था कि चाहे कोई चक्रवर्ती राजा हो या उसका पुत्र हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, एक छोटे से छोटे ऋषि मुनि के सामने उसको झुकना ही पड़ता था। क्यों कि उस समय जो ऋषि मुनियों का जो पद था, स्थान था, स्टेटस था, वो बड़े से बड़े चक्रवर्ती राजाओं से भी बड़ा था। कारण भी था उसका कि वो एक मिनट में चक्रवर्ती राजाओं को धूल चटा सकते थे, ऐसे उनके पास शस्त्र थे जो राजाओं के पास भी नहीं। जैसे विश्वामित्र जी के पास जो शस्त्र उन्होंने राम को दिए वो उन्होंने और किसी को दिए ना थे। तो ऐसे ही सब में अलग अलग विद्या थी, सबके पास अलग अलग विद्या थी। अब आगे भी देखेंगे कथा में भगवान राम को और भी लोगों ने शस्त्रास्त्र और अनुदान दिए हैं। तो इसके पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी विश्वामित्र जी से प्रपच्छ मुनि सार्दूलम् कौतूहल समन्वितम् भगवन् को नवयम् देशः समृद्धवन् शोभिता। तब तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से कौतूहल पूर्वक राम जी ने पूछा, हे भगवन्, ये हरे भरे समृद्धशाली वन से सुशोभित कौन सा देश है बताइए। पहले जिस देश में हरे भरे वन हुआ करते थे उसको समृद्धशाली कहते थे, अब तो कंगले भुकड़े बना दिए देशों को, सब जंगल काट दिया। भाई जंगल नहीं है, वो तुम्हारी समृद्धि है। एक वृक्ष हजार हीरे से ज्यादा मूल्यवान है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। वृक्ष को तो ऐसे काट देते हो, किसी के आंगन में हो, कोई मकान बनाना हो, गली में आता हो, सड़क में आ रहा हो, बिजली का खंबे के पास में आ रहा हो, बिजली का खंबा नहीं हटाओगे, वृक्ष को काट दोगे, क्योंकि बेचारा बोल नहीं सकता। लेकिन याद रखना, जो बोल नहीं सकता वो संसार की जो सृष्टि की बनी हुई चीज है वो बहुत खतरनाक होती है। वृक्ष बोल नहीं सकता, तुमने काट दिया। वन बोल नहीं सकते, तुमने काट दिए। पशु पक्षी बोल नहीं सकते, तुमने नष्ट कर दिए। उसका परिणाम तुम भोग रहे हो कि कुत्ते जैसा तुम्हारा मन हो गया है, कामुक हो गया है, क्रोधी हो गया है, जरा जरा सी बात में एक दूसरे को फाड़ के खाने की कोशिश करते हो। देखो तो दो दो रुपए, दस दस रुपए के पीछे लोग खून कर देते हैं। थोड़ी सी बात, जरा सी एक प्रतिष्ठा की बात हो जाती है, उस प्रतिष्ठा की बात के पीछे लड़ मरते हैं। अभी हमारे आश्रम के पास में एक घटना घटित हुई। एक 5 साल की बच्ची ने एक 20 साल की बच्ची को ऐसी पागल बोल दिया। 5 साल की बच्ची, छोटी सी बच्ची, उसमें कितनी समझ होती है। उसी बात से उनके माता पिता लड़ने लगे और हाथापाई हो गई और पुलिस भी आ गई। ये बन काटने के कारण तुम इस तरह के हो गए। पागल जानवर जैसा जीने लगे हो, क्योंकि तुमने बन काट दिए। हीरा तुम्हारे को
सोना चांदी तुम्हारे को शांति नहीं दे सकता, तुम्हारे मस्तिष्क को ठीक नहीं रख सकता, तुम्हारे जो संवेगात्मक यानी इमोशनल बैलेंस को नहीं बना सकता, ये बन ये कर सकते थे, इसलिए समृद्ध कहा गया है उस देश को। मैं श्रोतुम इच्छामि भद्रं ते वक्तुर महसि तत्वतः। भगवान मैं सुनना चाहता हूं, इसका परिचय मैं सुनना चाहता हूं, आप मुझे ठीक से इसका रहस्य बताइए। नोदितो राम वाकेन कथयामास सुब्रतः तस्य देशस्य निखिल मृषिमद् मृषि तस्य देशस्य निखिल मृषिमध्ये महातपः। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया। अब उसका परिचय कल के सर्ग में आएगा। ये 31वां सर्ग पूरा हो गया है और इस सर्ग के पूरे होने के बाद हम भगवान का स्मरण करते हैं। श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम। भजो राम सीता, तुम भजो राम सीता, इसी में भागवत इसी में गीता। भजो राम सीता, तुम भजो राम सीता, इसी में भागवत इसी में गीता। पापी अजामिल को पाता रहा था तुमने, भक्त प्रहलाद उबारा था तुमने। गणिका भीतर गई पड़ा के नितोता, भजो राम सीता, तुम भजो राम सीता। भगवान के नाम में इतना प्रभाव है कि अजामिल जैसा कसाई बच्चा प्रहलाद और वेश्या ये भी संसार सागर से पार उतर गए, और तो और गजराज और मकर दोनों ही पार उतर गए, गजेंद्र मोक्ष कथा में आता है। भगवान का नाम इतना दिव्य है, क्या कहूं, आपकी भाषा तो कोई शब्द नहीं है उनकी महिमा के लिए। लेकिन जिसको शंकर स्मरण करते हैं, भगवान शंकर जिसका स्मरण करते हैं, आप सोच सकते हो वो कौन होंगे, कैसे हैं श्री राम, ना? तो अपन ने आज जो कथा कही वो भगवान की जैसी प्रेरणा थी, जैसा उनने मुखारविंद से उच्चारित करवाया वो अपन ने कही, उनके चरणों में ये समर्पित है। क्योंकि ये मुखारविंद से जो वचन उच्चारित होते हैं उसके पीछे शक्ति तो भगवान की ही होती है, व्यक्ति नहीं बोल सकता। अगर व्यक्ति बोल सकता तो विश्व के धनाढ्य से भी धनाढ्य और शक्तिशाली से शक्तिशाली लोग इस वाणी को मृत्यु के समय अवरुद्ध नहीं पाते। वो बोल मरते समय भी कुछ बोल सकते थे, लेकिन मरते समय उनका मुंह बंद कर देते हैं परमात्मा, और करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी एक शब्द नहीं बोल सकते, एक श्वास नहीं ले सकते। तुम कृत्रिम वेंटिलेटर पे भले उसको सपोर्ट सिस्टम में चला दो, लेकिन वो तो मर चुके हैं। इसी तरह से अपने मुखारविंद से, भगवान की ऊर्जा से, भगवान की शक्ति से, भगवान की कृपा से, उनकी करुणा से ही ये मैं प्रवचन देता हूँ। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, शिवोहम।